और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 65,000 है और इसकी आस्किंग प्राइस 3,00,000 रखे हैं। फर्स्ट ओनर कार है, मात्र 28,000 किलोमीटर चली हुई है और इसका जो आस्किंग प्राइस रखे हैं। अब अर्टिगा का जो आस्किंग प्राइस है और इसकी जो आस्किंग प्राइस है 2,90,000 है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रेहान ऑटोमोबाइल में। तो लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखा, जितनी भी कार्स थी उसका डिटेल मैंने आप लोगों को बताया, तो बहुत सारी कार्स जो थी बाकी थी तो वो आज मैं कवर करने वाला हूँ और आप लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन से साल की है, कितनी चली हुई है, क्या प्राइस है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट टू है पोद्दार ऑटोमार्ट का। तो वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ डिटेल जो भी है, वैगन आर लगा हुआ है, अर्टिगा है, i10 है और वैगन आर है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं जो वैगन आर लगी हुई है। तो चलिए आप लोगों को वैगन आर का सारा डिटेल दिखलाते हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट करते हैं कि कैसा मिलने वाला है, उसके बाद बाकी डिटेल बतलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैगन आर का जो फ्रंट प्रोफाइल है इस तरीके से आपको मिलने वाला है और हेडलाइट वगैरह का कंडीशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर स्काई ब्लू में है। नंबर की बात करें तो 02 नंबर है, यानी हज़ारीबाग नंबर हुई। अब इसकी टायर की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल टायर का जो कंडीशन है चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। बाकी अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे डोर वाइज़र लगा हुआ है, रूफ रेल भी लगा हुआ है, डोर हैंडल में क्रोम भी लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि व्हील कैप भी लगा हुआ है। तो बाकी इंटीरियर देखते हैं कि वैगन आर का इंटीरियर आपको किस तरीके से मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैगन आर का जो इंटीरियर है, म्यूज़िक प्लेयर जो है कंपनी फिटेड म्यूज़िक प्लेयर है, सीट कवर लगा हुआ है और इंटीरियर इस तरीके से आपको वैगन आर का मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। चलिए बाकी डिटेल बतलाते हैं। तो अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं। तो वैगन आर में आपको एसी, हीटर और पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो मिलने वाले हैं और इसमें म्यूज़िक प्लेयर लगा हुआ है और ये वैगन आर आपको पेट्रोल इंजन में मिलने वाला है। और इसकी माइलेज की बात करते हैं तो लोकल में आपको 12 से 13 का माइलेज आराम से मिल जाएगा, लॉन्ग में जाएंगे तो 14, 15, 16 तक का भी माइलेज पेट्रोल में आपको आराम से मिल जाएगा। अब इसकी साल की बात करते हैं तो ये 2014 की है, फर्स्ट ओनर है और चला हुआ है 51,000 के आसपास और इसकी आस्किंग प्राइस 3,00,000 रखे हैं जो कि थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं कि उसके बाद कौन सी कार लगी हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि i10 लगा हुआ है, वाइट कलर का है। तो चलिए उसका डिटेल मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि i10 लगी हुई है, वाइट कलर में है, कंडीशन काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। और अगर इसकी नंबर की बात करते हैं तो 01 नंबर है, रांची की नंबर हुई। और इसका अगर टायर की कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टायर का कंडीशन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे दिखलाना भाई कि यहाँ पे थोड़े से डेंट है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मुझे लगेगा वो ज़रूर बतलाऊँगा। बाकी इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटीरियर एक बार आप लोगों को दिखलाते हैं। तो यहाँ पे i10 का इंटीरियर आप देख सकते हैं इस तरीके से मिलने वाला है। म्यूज़िक प्लेयर जो है कंपनी फिटेड है, सीट कवर सारा लगा हुआ है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मैट वगैरह भी इसमें लगा हुआ है। तो चलिए i10 का बाकी डिटेल मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। तो i10 का फ्रंट प्रोफाइल और इंटीरियर मैंने आप लोगों को दिखलाया। अब i10 की फ़ीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको AC, हीटर, पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, म्यूज़िक प्लेयर सारे कुछ मिलने वाले हैं। माइलेज तो मैंने आप लोगों को पहले भी बतलाया, अभी भी बतला दे रहा हूँ कि पेट्रोल इंजन में आता है, लोकल में आपको 10 से 12 तक का माइलेज मिलता है और लॉन्ग में 12-14 तक का माइलेज मिलता है। i10 में, हाँ i10 का माइलेज थोड़ा कम है लेकिन इसको ड्राइव करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने आप लोगों को i10 का सारा फीचर्स बतला दिया। तो अब इसकी साल की बात करते हैं तो 2015 की है, फर्स्ट ओनर कार है, मात्र 28,000 किलोमीटर चली हुई है और इसका जो आस्किंग प्राइस रखे हैं 3,00,000 रखे हैं। बाकी आप यहां आकर के अपने हिसाब से कम करा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अर्टिगा लगी हुई है। तो चलिए अर्टिगा का आप लोगों को डिटेल देते हैं क्योंकि अर्टिगा का जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा रहता है सेकेंड हैंड मार्केट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको अर्टिगा का लुक मिलने वाला है। सिल्वर कलर में कार है, 7-सीटर सेगमेंट में आती है अर्टिगा और भाड़ा पर्पस से भी काफ़ी पसंद किया जाता है और पर्सनल यूज़ में भी काफ़ी यूज़ होता है अर्टिगा। इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट करते हैं, उसके बाद डिटेल मैं आप लोगों को बतलाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्टिगा का जो फ्रंट प्रोफाइल है इस तरीके से आपको मिलने वाला है, सिल्वर कलर में है और हेडलाइट का कंडीशन वगैरह बिल्कुल सही है, फोग लाइट लगा हुआ है। और यहाँ पे आप थोड़ा क्लोज आएंगे तो देखेंगे कि थोड़ा सा स्क्रैच जैसा डेंट हल्का सा है, स्क्रैच है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ। और अगर इसकी नंबर की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि 02 नंबर है, यानी कि ये हजारीबाग नंबर हुई। और बाकी डिटेल देखते हैं इसका इंटीरियर वगैरह, और पहले देखते हैं कि टायर का कंडीशन कैसा है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप, टायर का जो कंडीशन है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे भी आप एक बार दिखला सकते हैं कि जो फ्रंट बम्पर है उसमें स्क्रू कसा हुआ है। बाकी देख सकते हैं कि DDIS का बेजिंग है, यानी कि डीजल वर्जन हुई। और इसका इंटीरियर देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी डिटेल बतलाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्टिगा का जो इंटीरियर है इस तरीके से मिलने वाला है। कंपनी फिटेड म्यूजिक प्लेयर है, सीट कवर सारा लगा हुआ है, और 7 सीटर SUV कहलाता है, या MPV कह सकते हैं। MPV का मतलब हुआ मल्टीपर्पज़ व्हीकल। चलिए बाकी डिटेल मैं आप लोगों को अर्टिगा का बतलाता हूँ। तो मैंने आप लोगों को अर्टिगा का फ्रंट प्रोफाइल दिखलाया, इंटीरियर दिखलाया, इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको AC, हीटर, पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, म्यूजिक प्लेयर, सीट कवर सारा कुछ लगा हुआ है। और अर्टिगा जो है आपको डीजल वेरिएंट में मिलता है। और इसकी माइलेज की बात करते हैं तो लोकल में ये आपको 13 से 14 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। हाईवे में जाएंगे तो 14, 15, 16 तक का भी माइलेज मिलता है अर्टिगा में। और ये 7 सीटर है जो कि काफ़ी पसंद किया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, भाड़ा पर्पज़ से। तो चलिए बाकी अर्टिगा का डिटेल बतलाता हूँ। तो अर्टिगा की साल की बात करते हैं तो 2013 की है, फर्स्ट ओनर है। और किलोमीटर की बात करते हैं तो 79, यानी कि मान के चल सकते हैं कि 80,000 के आसपास चला हुआ है। अब अर्टिगा का जो आस्किंग प्राइस है वो 4,75,000 है, जिसमें थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं कि अर्टिगा के बाद जो लगी हुई है वैगन आर लगी हुई है, तो उसका डिटेल देखते हैं कि कौन सी वैगन आर है। 010 नंबर है, यानी कि ये धनबाद की नंबर हुई, सिल्वर कलर में है। तो यहाँ से आप इसका एक बार लुक भी चेकआउट कर सकते हैं बैक से। इस तरीके से देख सकते हैं कि डोर वाइज़र लगा हुआ है, रूफ रेल है, हैंडल में क्रोम लगा हुआ है, व्हील कैप भी लगा हुआ है। टायर का पोजीशन अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस यहाँ पे जो इसमें हवा है वो कम है इसलिए ऐसा लग रहा है। और फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं वैगन आर का, उसके बाद बाकी डिटेल बतलाते हैं। तो यहाँ पे आप वैगन आर का फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट प्रोफाइल मिलने वाला है। हेडलाइट का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग से आफ्टर मार्केट LED लाइट लगा हुआ है, क्रोम ग्रिल लगा हुआ है, और JH10 नंबर है, यानी कि हजारीबाग नंबर हुई। और इसकी टायर की कंडीशन देखते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टायर का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। बाकी चलिए वैगन आर का इंटीरियर देखते हैं कि कैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैगन आर का जो इंटीरियर है इस तरीके से मिलने वाला है। म्यूजिक प्लेयर जो है टच प्लेयर लगा हुआ है, और ये आफ्टर मार्केट है, और सीट कवर आपको इस तरीके से मिलने वाला है। तो इंटीरियर जो था वैगन आर का आप लोगों को इस तरीके से मिलने वाला है। बाकी डिटेल चलिए बतलाता हूँ। तो मैंने आप लोगों को वैगन आर का फ्रंट प्रोफाइल, इंटीरियर सारा कुछ दिखलाया। अब इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको AC, हीटर, पावर स्टेयरिंग और चारों पावर विंडो मिलते हैं, म्यूजिक प्लेयर जो लगा हुआ है, टच प्लेयर लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट है, सीट कवर वगैरह सारा लगा हुआ है। तो अब इसकी डिटेल की बात करते हैं कि तो वैगन आर की साल की बात करते हैं तो 2013 की है, फर्स्ट ओनर कार है। और अगर इसकी किलोमीटर की बात करते हैं तो 62,000 किलोमीटर चला हुआ है। और इसकी जो आस्किंग प्राइस है 2,90,000 है, जिसमें थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, वो आप आ करके अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को वैगन आर, अर्टिगा, i10 और वैगन आर का सारा डिटेल बतला दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी कार्स लगी हुई हैं, इसका भी डिटेल देखते हैं। तो सर से मैंने जो बात किया तो सर बोले कि जो स्कॉर्पियो है, और ये जो बोलेरो है, और ये ओमनी है, ये सेल हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक कार मिलने वाली है, और वो नैनो मिलने वाली है। तो नैनो का मैं आप लोगों को डिटेल बतलाता हूँ, क्योंकि आप लोगों का नैनो का भी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों को टाटा नैनो का सारा डिटेल बतलाता हूँ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से टाटा नैनो आपको मिलने वाली है, ब्लू कलर में है, और फ्रंट प्रोफाइल आप बिल्कुल इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं टाटा नैनो में। और अगर नंबर की बात करें तो 01 नंबर है, यानी कि रांची की नंबर हुई।
बाकी इसका जो टायर का कंडीशन है वो देखते हैं कि किस तरीके से आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टायर का जो कंडीशन है आपको अच्छा है। बाकी चलिए टाटा नैनो का जो इंटीरियर है वो देखते हैं कि कैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा नैनो का इंटीरियर इस तरीके से मिलने वाला है। म्यूजिक प्लेयर जो है वो आफ्टर मार्केट सोनी का लगा हुआ है। सीट कवर वगैरह सारे लगे हुए हैं। बाकी अगर आप लोगों को टाटा नैनो समझ में आएगा, प्राइस सूटेबल लगेगा, तो यहाँ पे आप आ करके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सारा डिटेल बतलाता हूँ। टाटा नैनो पेट्रोल इंजन में आती है और इसकी माइलेज की बात करते हैं तो लोकल में 17, 18, 20 तक का भी माइलेज आराम से मिल जाएगा। हाईवे में जाएंगे आप तो 20, 22, 25 तक का भी माइलेज मिल जाएगा। डिपेंड ऑन ड्राइविंग कंडीशन और आपकी कार की मेंटेनेंस कैसी है उसके ऊपर माइलेज डिपेंड करता है। तो टाटा नैनो की साल की बात करते हैं तो 2012 की है, फर्स्ट ओनर कार है और किलोमीटर की बात करें तो 52,000 के आसपास चला हुआ है और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 65,000 है। थोड़ा बहुत तो कम होता ही है। अगर आप लोगों को टाटा नैनो समझ में आएगा तो यहाँ आकर के आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पोद्दार ऑटोमार्ट का जितना भी कार कलेक्शन था सारा दिखलाया। अब बाकी काम आप लोगों का है कि यहाँ आकर के आप बिल्कुल कार का कंडीशन चेक करें, पेपर चेक करें, उसके बाद प्राइस के लिए बात करें। सूटेबल लगेगा तो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।